Assalamu alaikum, grade 9th. Today we start revision of exercise 2.3. So question number 1 is, write radical expression in exponential notation and exponential in radical notation. Do not simplify, aap isko simplify ya solve nahi karoge, just aapne batana hai ki radical ko exponential mein aur exponential ko aapne radical mein convert karna hai. Uske upar 1 aur 3 question hai according to smart syllabus. One wala hai 3 इंडेक्स में अंडर रूट -64 इसका रेडिकेंड है. अब इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे. जो भी आपका इंडेक्स होता है जब एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो ये ओवर में चला जाएगा. जैसे 3 है तो 1/3 आएगा, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी. थर्ड था, अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आपने रेडिकल फॉर्म में लिखा. तो 3 आपके पास ओवर में है और एक्सपोनेंट है, ये दोबारा इंडेक्स बन जाएगा 1 के अपोजिट है, अंडर रूट -7 जो है वो रेडिकेंड हो जाएगा. इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. 5 raise 1/5 इज इक्वल टू √5. अब देखिए तो √5 को सॉल्व करें तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, y का 1/2 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 1/5. तो इनको एक्सपोनेंट सेम नहीं है इनके, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट देखें तो 2 raise 2/3 is equal to 3/4. अब 4 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 स्क्वायर आ जाएगा. 3 जो कि आपका इंडेक्स है, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो डिवाइड में आएगा. तो सेम आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर आ रहा है कि आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंपलीफाई द रेडिकल एक्सप्रेशंस. इनको आपने सिंपलीफाई करना है. इसी का सेकंड पार्ट है 4/√32. 4 इंडेक्स में है. अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे 32 की, तो आपके पास 5 × 2 आएगा. अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे 4 है, जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा. अब इसको आपने 2 raise 4 × 2 raise 1 ऐसा लिखने का मकसद ये था हमारा कि ताकि इसको इजीली सॉल्व कर सकें, ये सिंपलीफाई हो जाए. तो 4 क्योंकि 1/4 या दोनों का एक्सपोनेंट है, दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 × 1/4 एंड 1 × 4. अब 4 से कैंसिल, यहां पे 2 इज मल्टीप्लाई बाय 2 raise 1/4. अब इसको दोबारा आप रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई इधर 4 इंडेक्स है, थोड़ा सा ऊपर और छोटा करके लिखते हैं, √2 आपका रेडिकेंड है. थर्ड पार्ट है इसका 5√3/32. दोबारा 32 की फैक्टराइजेशन की तो आपके पास 5 × 2 आएगा. अगर देखें तो यहाँ पर आपका एक्सपोनेंट जो है वो 1/5 है, तो इसको भी 2 raise 5 ही लिखेंगे. अब एक्सपोनेंट ये 3 का भी है और 2 raise 5 का भी है, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 5 × 1/5, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यहाँ पर रहेगा 2 √ आ जाएगा. इसको दोबारा आप रेडिकल की फॉर्म में लिखोगे तो 5 index √3. तो इनके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है आपने, और यही आपकी अच्छी डायरी है.